तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में लैडर वाली प्रॉब्लम्स की थी, तो मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ, फिर नया क्वेश्चन करते हैं। तो लैडर वाली प्रॉब्लम के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई लैडर है और वो इक्विलिब्रियम में है, तो ना तो वो ऊपर नीचे मूव कर रही है, ना लेफ्ट या राइट मूव कर रही है, इसका मतलब वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है और वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसको डिस्कस करते हैं। तो आप एक अपनी कॉपी ओपन करें और इक्वेशंस बना के देखें कि आंसर कैसे निकालने हैं, ठीक है? तो सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि मान लो ये आपके पास एक वॉल है और ये आपके पास एक फ्लोर है, ठीक, और ये आपके सामने एक लैडर है, ये एक लैडर है, ये भी, ठीक है? तो ये लैडर इक्विलिब्रियम में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रिक्शन यहाँ भी प्रेजेंट है, और लेट अस सपोज फ्रिक्शन यहाँ भी प्रेजेंट है, चलो दोनों तरफ फ्रिक्शन कर देते हैं, फ्रिक्शन दोनों जगह प्रेजेंट है, ठीक है? यहाँ तक आपको ये गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये मान लो 2 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये भी मान लो 2 मीटर है, ठीक, 2 मीटर है, 2 मीटर है। सपोज यहाँ पर एक वेट, सेंटर ऑफ मास पे लैडर का वेट है, मान लो वो वेट कितना है, वो 20 g वेट है, 20 g वेट है। आपको ये डिस्टेंस भी गिवन है कि जहाँ ये टच करेगा यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लो क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूँ ये 1 मीटर है, या था डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक। आपको ये गिवन है म्यू की वैल्यू यहाँ पे मुझे मालूम नहीं है, फ्रिक्शन है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू मुझे मालूम है 0.1 है, 0.1 है, ये गिवन है, डिस्टेंसेस गिवन है, ये सब कुछ गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड N1 N2 एंड म्यू, इस केस में तीन चीज़ें निकालनी है, N1 N2 और म्यू, ये तीन चीज़ें निकलेंगी, ठीक। नॉर्मल रिएक्शंस, नॉर्मल रिएक्शंस के अंदर ये बता दूं, वैसे आपको याद भी होगा कि नॉर्मल रिएक्शन एक यहाँ पे लगने वाला है कितना, N1, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगने वाला है कितना, N2, ये है N2, N1 N2। तो सबसे पहले आप एक बार इक्विलिब्रियम बनाएं, फोर्सेस पहले कंप्लीट करें, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बनाएं, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम बनाएं, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो रूल नंबर 1, देखो इसमें
सबसे पहले फोर्सेस को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। फोर्सेस में ये लैडर लेफ्ट की तरफ आने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ ऐड करेगी, राइट। कितनी ऐड करेगी? फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर होगी 0.1 म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन वन, ये रहा म्यू इंटू एन वन, कोई डाउट इसमें? ठीक है, जब ये लैडर लेफ्ट जाएगी तो ये वाला हिस्सा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन कहाँ ऐड करेगी, ऊपर करेगी। बोलो कितना करेगी, म्यू इंटू एन टू करेगी। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? कुल मिला के कितनी फोर्सेज हैं, एक दो तीन चार और पाँच, पाँच फोर्सेस हैं। सबसे पहले क्या बनेगा, ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ऊपर की फोर्सेस इक्वल टू नीचे की फोर्सेस, लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स। चलो देखो ऊपर की फोर्स कौन सी है इसमें, एन वन, एन वन। नीचे की फोर्स कितनी है इसमें, 20 जी, और ऊपर की एक और भी फोर्स है, सॉरी एक और फोर्स नोट करते हैं, एक फोर्स एन वन है और एक ये भी फोर्स है, कितनी, म्यू टाइम्स एन टू इज इक्वल टू कितना, 20 जी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है। तीन वेरिएबल्स हैं तो कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए होंगी आपको एन वन एन टू और म्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, और अब लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स कितनी है, एन टू, एन टू। राइट की फोर्स कितनी है, इक्वल टू 0.1 इंटू कितना, एन वन। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, इक्वेशन नंबर टू, ठीक। तब आपके पास एन वन एन टू और म्यू ये तीन वेरिएबल्स हैं, राइट, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब तीसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या सिखाया था, सबसे पहले एक्सिस लेना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास नहीं लेना, कॉर्नर लेना, या ये कॉर्नर या ये कॉर्नर, हमें याद आता नीचे कॉर्नर की, हम नीचे कॉर्नर ले लेते हैं। तो निचला कॉर्नर अगर हम लें, ये रहा, इस एक्सिस के अबाउट एन वन कितना टॉर्क लगाएगा, नहीं लगाएगा, क्योंकि एक्सिस के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, तो टॉर्क क्या रहेगा, जीरो। 0.1 इंटू एन वन, ये फ्रिक्शनल की फोर्स भी इस एक्सिस पे एक्ट कर रही है, तो दूरी इसकी भी जीरो है, तो टॉर्क क्या होगा इसमें भी, जीरो जीरो जीरो। फिर क्या रूल सिखाया था कि इस लैडर के इस तरफ जो फोर्सेस हैं और इस लैडर के इस तरफ जो फोर्सेस हैं उनका टॉर्क आपस में इक्वल कर देना है, तो ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा जो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो आपने सिर्फ ये देखना है इस लैडर के इस तरफ कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो टॉर्क जनरेट करेंगी। तो रूल नंबर वन, ये तो करेगी नहीं, ये भी करेगी नहीं, तो इस लैडर के इस तरफ कौन सी फोर्स है, N2 वाली फोर्स है। तो बोलो टॉर्क क्या होगा, N2, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, N2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2, तो N2 इनटू 2, कोई डाउट इसमें? तो ये टॉर्क है, इस लैडर के इस तरफ N2 फोर्स है, एक और फोर्स है, कौन सी, वो फ्रिक्शन वाली, ये भी फोर्स है, तो ये भी टॉर्क लगाएगी, कितना टॉर्क लगाएगी, म्यू इंटू एन टू, म्यू इंटू एन टू। तो ये फोर्स ऐसी है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से क्या बनेगा, 2 मीटर, तो इन टू क्या करेंगे इसमें, 2, तो इसका टॉर्क क्या होगा, एन टू इंटू दिस डिस्टेंस, इसका टॉर्क क्या होगा, दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या आ गया आपके पास, टॉर्क की वैल्यू आ गई, और ये कौन सा टॉर्क है जो इस लैडर के इस तरह की फोर्सेज ने लगाया। अब इस लैडर के इधर की फोर्सेस में ये तो लगाएगा नहीं टॉर्क, ये लगाएगा 20g, बोलो कितना लगाएगा, 20g इनटू इनटू ये वाई एक्सिस में, तो डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, 1। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई आपकी, 3। तो यहाँ से तीन वेरिएबल्स हैं एन वन एन टू एंड म्यू, तीन इक्वेशंस हैं, सॉल्व करके एन वन एन टू एंड म्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो एन वन एन टू म्यू के बनोगा, आप इंस्टेड किसे सॉल्व करें, हिट एंड ट्रायल करें, आप ये ऑप्शन उठाएं, हिट एंड ट्रायल करके इसमें पुट करके देख लें, सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ऑप्शन ले लें। हाँ, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कर लें, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व भी हो जाएगा। एन टू की जगह तो आपको यहाँ पुट करना है म्यू टाइम्स एन वन, तो यहाँ पर एन टू की जगह वैल्यू पुट कर देना तो वैसे आंसर आ जाएगा। तो वो आपकी मर्जी है कैसे सॉल्व करते हैं, आप सीधा सॉल्व करते हैं या आप ऑप्शन पुट करते हैं, आपकी मर्जी है, बट आपको इक्वेशंस बनानी आ गई। ये इसलिए अजीब लग रही है क्योंकि मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया, और मन से बनाया हुआ क्वेश्चन में तो क्या कुछ भी इक्वेशंस बनती हैं,
पर आपको नॉर्मल इक्वेशंस ही आएंगी, आपका नॉर्मल सॉल्व करने वाला आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? तो लैडर की एक और प्रॉब्लम करते हैं जो बड़ी फेमस प्रॉब्लम है। लैडर की जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसी है कि सपोज करो आपके पास ये एक लैडर है। ये लैडर पता है कौन सी है? जो घरों में यूज़ होती है ना सीढ़ी, एल्यूमिनियम वाली, इलेक्ट्रीशियन यूज़ करता है, ऊपर फोल्डेड होती है, चार स्टेप होते हैं, फोल्ड हो जाती है, फिर खोल लो तो चार स्टेप पे ऊपर चढ़ के काम कर लेता है। तो इसके ऊपर ये बंदा बैठा है, ये रहा, तो इसके ऊपर ये लो, ये इसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, टॉप के ऊपर। अब फ्रिक्शन है नहीं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसकी टांगें तो स्लिप होती होती खुली जाएंगी, नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये स्लिप हो जाएगी ना, इधर स्लिप होगी, इधर स्लिप होगी, तो रुके रुकने के लिए कुछ है ही नहीं, स्लिप होकर ये बंदा नीचे गिरेगा ही गिरेगा, पक्की बात है। तो अगर आप मार्केट जाएं और लैडर लेके आएं, तो लैडर जब दी जाती है साथ में एक इसमें स्ट्रिंग लगी होती है, वो रस्सी होती है, वो ऐसे टाइट हो जाती है, बिल्कुल टाइट जब आप उसे खोलते हो, जब बंदा बैठता है एकदम टाइट हो जाती है, ताकि अगर फ्रिक्शन किसी जगह पर कम भी हो तो एटलीस्ट लैडर स्लिप ना हो जाए, रस्सी उसको पकड़ के रखती है। और यहाँ पर तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो काम ही जोड़ने का कौन कर रहा है? रस्सी कर रही है। तो ये स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट हो जाएगी और इसमें क्या आ जाएगी? टेंशन। तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई टी एंड टी, टेंशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? टेंशन की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास टेंशन आ गई। सपोज इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इस बंदे का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, और मान लो वेट की वैल्यू कितनी है? 20 g। फिर से 20 g वेट है इसका, गिवन है, बना लो 20 g इसका वेट है, ठीक। ये जो लैडर है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N1 and N2। तो ये सपोज N1 और ये सपोज N2, वैसे बता दूं N1 N2 में फ़र्क नहीं होना चाहिए क्योंकि सिमेट्रिकल है पूरी फिगर लेफ्ट और राइट की, तो N1 N2 वैसे बराबर ही आने चाहिए, पर चलो नॉर्मल रिएक्शन मैंने बना लिया N1 N2। और आपको क्वेश्चन यही निकालना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन N1 and N2 सच दैट ये लैडर इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर लैडर नहीं है, लैडर्स हैं, एक्चुअली दो सीढ़ियाँ हैं, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, लेफ्ट वाली और राइट वाली, ये भी इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में, मूवमेंट कोई नहीं हो रहा है इसमें, तो ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो ये केस है यहाँ तक। आपको कुछ डिस्टेंसेज भी गिवन है इसमें, चलो डिस्टेंसेज नोट करते हैं। डिस्टेंसेज में जो आपको डिस्टेंस गिवन है वो यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये वाला, सपोज वो गिवन है 1 meter। सपोज ये डिस्टेंस गिवन है 1 meter, आपको क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस गिवन है मिड पॉइंट और ये वाला, ये भी गिवन है, सपोज ये गिवन है 2 meter, 2 meter, 1 meter और 2 meter, ठीक। आपको N1 N2 निकालना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहला रूल कि अगर आप इसको N1 N2 निकालना चाहते हैं तो पहला रूल, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम दो टाइप के हैं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। तो पहले बनाते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के अंदर सम ऑफ ऑल ऊपर की फोर्सेस और नीचे की फोर्सेस बराबर, तो ऊपर की कौन सी फोर्स है? N1, और कौन सी फोर्स है? N2, इक्वल टू कितने है? 20 g। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, N1 plus N2 is equal to 20 g। और लेफ्ट और राइट को तो क्या ही करोगे, लेफ्ट पे टी राइट पे भी जो टी एंड टी कैंसिल, बात ही खत्म। तो हॉरिजॉन्टल को तो लेने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें वर्टिकल फोर्सेस को आपने इक्वेट कर दिया। N1 N2 निकालने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, और वो क्या है?
या हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में टेंशन पूछ ले, कुछ टेंशन पूछ सकता है इसमें, टेंशन वेरिएबल है, टेंशन कौन सा गिवन है, कुछ तो देना चाहिए, या तो आपको टेंशन दे दे या N1 N2 दे दे। चलो इसमें क्वेश्चन में फाइंड टी भी कर देते हैं, फाइंड टी भी कर देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब अगर आपको टेंशन के साथ काम करना है, और ये क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो एक इक्वेशन किसकी बनेगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पर लैडर दो हैं, लेफ्ट वाली या राइट वाली, आप सिंपली इस पे लेफ्ट या राइट एक लैडर लो एट अ टाइम। तो चलो पहले मैंने लेफ्ट ले ली, तो ये इक्विलिब्रियम में लेफ्ट लैडर, ये बताओ कि इसका एक्सिस क्या होगा, अगर ये गिर जाती है तो इसका एक्सिस क्या है, मैं किस एक्सिस के अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को लगाऊं। अगर ये गिरती है तो ऐसे खुलती है, ऐसे खुलेगी, ऐसे चलेगी, तो एक्सिस क्या होगा बोलो, कहां पास करेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, कहां, आपकी तरफ की ऊपर की नीचे, कैसे ऐसे खुल रही है आपकी तरफ, ऐसे क्या एक्सिस ऐसे होगा आपकी तरफ, सही। देखो कोई चीज जब ऐसे चल रही होगी तो एक्सिस इसके साथ कैसे हो सकता है, एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर है, पंखा अगर ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर है, अगर कोई चीज ऐसे चल रही है तो एक्सिस आपकी तरफ होगा, राइट। तो लैडर अगर ऐसे घूम रही है, ऐसे गिर रही है, नीचे गिरेगी, तो एक्सिस कहां से पास करेगा, एग्जैक्टली इसके सेंटर से, तो एक्सिस ये इसका एक्सिस माना जाएगा, तो ये इसका एक्सिस है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम इसके ऊपर लगाते हैं, चलो तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लेफ्ट लैडर के इसके ऊपर अगर लगाएं तो कैसे लगेगा, सबसे पहले इस लैडर के लेफ्ट की तरफ कौन सी फोर्स है, N1, और लैडर के राइट की तरफ कौन सी फोर्स है, एक T दिख रही है और एक 20G। तो लैडर के इस तरफ दो फोर्सेस हैं, इस तरफ एक फोर्स है, और इस तरफ का टॉर्क और इस तरफ का टॉर्क आपस में इक्वेट करना है, तो चलो इक्वेट करते हैं। तो N1 ने कितना टॉर्क जनरेट किया ये बताओ, N1 into परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, तो ये N1 वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, और ये का मतलब क्या है, 2 meters, तो N1 into क्या आएगा यहां पर, 2। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, N1 into 2, क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक, तो N1 into 2। नेक्स्ट 20G इक्वल टू 20G कितना टॉर्क लगाएगा, 0, क्योंकि तो एक्सिस के ऊपर ही काम कर रहा है, और टी कितना टॉर्क लगाएगा, टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने है, 1, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इसमें N1 N2 अगर बराबर है बाई सिमिट्री, तो ऐसे केस में N1 N2 तो आ गया आपके पास 10G और 10G, और अगर आपके पास N1 10G आ गया तो यहां से T की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया, क्लियर है यहां तक। तो क्योंकि N1 N2 बिल्कुल सिमिट्री में है तो बराबर ही होंगी दोनों फोर्सेस, तो N1 प्लस N2 तो 20G है, तो एक फोर्स ऑब्वियसली 10G और 10G की होगी, तो एक फोर्स N1 N2 10G 10G, वहां से T कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो लैडर की प्रॉब्लम समझ में आ रही है कैसे होनी है, तो आपकी असाइनमेंट के अंदर जो ये चल रहा था ये हमने कर लिया, आपकी असाइनमेंट के अंदर ये हमने कर लिया, आपकी असाइनमेंट के अंदर ये भी हमने कर लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, सपोज वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है, पूछ लेता है वैसे वो कभी कभी, कि लैडर की प्रॉब्लम चल रही है और जैसे ये वॉल है और ये लैडर है, सेम प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, इसके अंदर ये जो फोर्स थी वो थी N1 थी, यहाँ पर कॉन्टैक्ट, ये जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स थी वो कितनी थी, N2 थी, यहाँ पे मान लो चलो फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, इस तरफ एक्ट करेगी F। क्वेश्चन है कि पॉइंट A और पॉइंट B पे फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है, तो बताओ ए पॉइंट पर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या बनेगी, ए की फोर्स एक्ट कर रही है N2, और तो कोई बनेगी नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स होती क्या है, जब लैडर और दीवार कॉन्टैक्ट में आए तो दीवार ने लैडर पे क्या फोर्स लगाई, उसकी कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स ए पॉइंट पर क्या लिखेंगे, N2। बी पॉइंट पे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी, दो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, क्योंकि लैडर ने जमीन पे जोर लगाया तो रिएक्शन मिला इसको N1, तो इसकी कॉन्टैक्ट फोर्स है, लैडर फिसल रही है तो जमीन इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रही है, तो फ्रिक्शन भी एक और कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो दो कॉन्टैक्ट फोर्सेज और एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 degrees, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी इसमें, N1 का स्क्वायर प्लस
एफ का स्क्वायर, तो आपको रिजल्टेंट निकाल के आना है कॉन्टैक्ट फोर्स में। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें?